जितने यहाँ के व्यापारी कर्म और कर्मचारी लोग हैं, बीमा करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं और गऊओं को छोड़ देते हैं, रोड में बांधते हैं, इसलिए गऊए जो है चोट खाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये व्यापारी लोगों का वो है। और बंद करो किसान मजदूर व्यापारी संघ कर्मचारी संघ साधु संत अत्याचार। मैं हाथ जोड़ के नंदन और अभिनंदन करने बांध के पूजा चारा खिला के पानी पिला के अपने मुक्ति और मोक्ष का साधन बनाओ। स्वामी जगत गुरु गवर्नमेंट ने सरकारी कई गौशाले खुलवाए हैं, लेकिन एक ही गौए नहीं है, लगते हुई गौए उनके आश्रमों में है, 10-10 गौए, एक भी गौए नहीं रखे हुए हैं। सुहागी पहाड़ पे बनवाए हैं, खुलवाए हैं, वहाँ भी नहीं है। ढकरा तरफ डभौरा साइड में कई अस्पतालों में खुलवाए हैं। कहा गया कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया है, मुक्त कहा किया गया है। हाँ, और ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होती है, बहन बेटियों को लूट ले जाते हैं, डकैत लोग, चोर लोग, बदमाश लोग, ये भ्रष्टाचार नहीं है। सत्य लेके जनसंघ आई तब मैं था, भाजपा आई तब मैं था, जेल भी गया हूँ प्रदर्शन में कई बार, कांग्रेस के जवाब नहीं दिया गया, ब्राह्मण जाति पैसे को नहीं दिया गया, बकाया हैदराबाद वासियों को दे रहे हैं, नहीं सबको दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा, कोई नहीं पा रहा। आप खुद ही कह रहे हैं आदिवासी को और दलित समाज को मिल रहा है। हाँ, उनको ठीक है, मिले दे सरकार, ले वोट उनसे, जितना पाए ले वोट उनसे, आप राज्य करे, शिवराज सिंह चौहान मस्त मध्य सरकार बंद करे, किसान व्यापारी वर्ग बंद करे। लेकिन आप जनता इस चीज को क्या देगी, नहीं बनाएंगे, कौन बना रहा है, क्या बनाएगी कांग्रेस सरकार, क्या लगता है कांग्रेस के आते ये सब सही होगा या नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो सही होगा, इससे अच्छा कार्य होगा। हाँ? इससे अच्छा कार्य होगा, क्योंकि ये लोग अब ये बताइए, यहाँ पे जो है ये गऊ है और काफी जो है पैर में चोट वोट लगी है। हाँ, इस पे क्या कहना चाहिए। ये कहना ये चाहते हैं कि ये गऊओं का जितने यहाँ के व्यापारी कर्म और कर्मचारी लोग हैं, बीमा करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं और गऊओं को छोड़ देते हैं रोड पे डूब डूब करके, और रकड़े को अपने घर में बांधते हैं, इसलिए गऊए जो है चोट खाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये व्यापारी लोगों का वो है यहाँ के डाक घाट का नियम। कुछ लोग पढ़ रहे थे। हाँ, कटती गऊए माटी गुहार, बंद करो किसान मजदूर व्यापारी संघ कर्मचारी संघ साधु संत अत्याचार। मैं हाथ जोड़ के नंदन और अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसा पशुओं को एक स्थान में बांध के पूजा चारा खिला के पानी पिला के अपने मुक्ति और मोक्ष का साधन बनाओ। स्वामी जगत गुरु 1000 आज मूर्खानंद महाराज डाकघाट सुहागी जिला रीवा मध्य प्रदेश मेरा निवास स्थान। कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, गवर्नमेंट ने सरकारी कई गौशाले खुलवाए हैं, लेकिन एक ही गौए नहीं है, लगते हुए गौए उनके आश्रमों में है, 10-10 गौए, एक भी गौए नहीं रखे हुए हैं, सुहागी पहाड़ पे बनवाए हैं, खुलवाए हैं, वहाँ भी नहीं है। ढकरा तरफ डभौरा साइड पे कई अस्पतालों में खुलवाए हैं, लेकिन सरपंच ब्लॉक के ये सीओ अधिकारी बीडीओ लोग सब रुपया पैसा टिकट नहीं, और सरपंच लोग खा जाते हैं, गऊओं की सेवा नहीं कर पाते हैं। कहा गया कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया है, मुक्त कहा किया गया। हाँ, और ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया मध्य प्रदेश। अरे काफी भ्रष्टाचार है, रोजाने कम से कम हजारों गौए सुहागी पहाड़ से लेकर के यहाँ तक मरती है, ये भ्रष्टा नहीं है, चोरी और डकैतियाँ होती है, बहन बेटियों को लूट ले जाते हैं, डकैत लोग, चोर लोग, बदमाश लोग, ये भ्रष्टाचार नहीं है भाजपा सरकार में, बहुत भ्रष्टाचार है। हाँ, हम ना पहले नहीं नाराज थे, मैं इसी पार्टी का था, अटल बिहारी रामराज परिषद से लेके जनसंघ आई तब मैं था, भाजपा आई तब मैं था, जेल भी गया हूँ प्रदर्शन में कई बार,
कांग्रेस के जमाने में, लेकिन अब मैं नाराज हूँ इनके कार्यकर्ता से, काम से दुखी हूँ। इनका काम अच्छा नहीं है, दिया गया आपको शौचालय दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, ब्राह्मण क्षति वैश्य को नहीं दिया गया, बकाया हजार राजवासियों को दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सबको दे रही है, योगी सरकार वहाँ क्या वो कर रहे हैं लोग, जातिवाद वाली बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबको दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा, कोई नहीं पा रहा, आप खुद ही कह रहे हैं जो आदिवासी को और दलित समाज को मिल रहा है, हाँ उनको मिल रहा है, उनको गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, रुपया पैसा खूब मिल रहा है, ठीक है मिले, दे सरकार ले वोट उनसे, जितना पाए ले वोट उनसे, आप लोग राज्य करे खुद, शिवराज सिंह चौहान मस्त, लेकिन जिसको जरूरत है उसी को तो सरकार देगी ना, ठीक है जिसको जरूरत है दे सरकार, हमें नहीं जरूरत है, हम नहीं लेंगे, हम 81 साल की उम्र है, हमको न चाहिए पेंशन, 81 साल की उम्र है, हमको न चाहिए, इनको कल्लू को न चाहिए, हम लंगर है, हमको न चाहिए, पैर टूटा हुआ है मेरा, है कहाँ गया ना सरपंच का, कहा पीडीओ का, कहा मूर का दंड मारा, चाटा सुहागी जिला रीवा मंडल, हमने कह दिया अच्छा सरकार बंद करे, किसान व्यापारी वर्ग बंद करे, जनता इस चीज को क्या देगी, 2023 का चुनाव एकदम नजदीक है, मध्य प्रदेश हाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है हार जाएगी भाजपा, हाँ बिल्कुल हार जाएगी, प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार नहीं बनाएंगे, कौन बना रहा है, यहाँ बनाएगी कांग्रेस सरकार, क्या लगता है कांग्रेस के आते ये सब सही होगा या नहीं, हाँ कुछ न कुछ तो सही होगा, इससे अच्छा कार्य होगा, इससे अच्छा कार्य होगा, क्योंकि ये लोग अब पछता रहे हैं ना, इस चीज को पछता रहे हैं कि हमने गलती किया, गलती का परिणाम बहुत भोग चुका हूँ, अब उसके लिए जो है ये पश्चाताप करके अब ये पुनः राजगति में आएंगे, हाँ नमस्कार, मैं हूँ अहमद, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।